हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, आज हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से। और ध्यान से आप इसके सारे जो सॉल्यूशंस होंगे उनको ध्यान से देखिएगा, और ई बुक के माध्यम से भी मैंने जो सॉल्यूशन दिया है वहाँ से भी आप देखिए। वहाँ पर अगर कोई डाउट होता है तो यहाँ पर आप आकर पूरा वीडियोज देखिए, यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो इसका फायदा आपको जरूर मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट आपका 8 का, यहां पर आप देख रहे होंगे ये आपका कहां से है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यहां से इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो इसका पहले बेसिक मेथड समझते हैं। इसका बेसिक मेथड क्या है, ये आपका एक समीकरण का फॉर्म है, एक इक्वेशन का फॉर्म है। तो आपको पता है जब भी ऐसा कुछ यहां से कंपेरिजन वाली चीजें आती है कि ए बी सी का मान बताओ, इनका मीन बताओ, माध्य बताओ, एबीसी का योग बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है यहां पर कि आपको पहले तो कंपेयर आप तभी कर पाओगे जो एलएचएस जो आपका बायां पक्ष दिख रहा है वैसा ही आपका दायां पक्ष दिखना चाहिए, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है, तो जब आप इसको देखते हो तो दोनों ही भिन्न में डिफरेंट है, डिफरेंस है। ये सीधे सीधे दिख रहा है और ये थोड़ा सा भयंकर रूप लिए हुए है, ठीक है। तो यहां पे जब इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप देखते हैं तो ये वन है, तो इसको भी वन बनाने के लिए आप क्या करोगे, 16 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। जब 16 से अंश और हर में डिवाइड करेंगे तो ऊपर से 1 आ जाएगा और नीचे से 23/16 आएगा। क्या आएगा, 23/16। अब फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आप जब आगे बढ़ोगे तो 16 में जब 23 का भाग दोगे तो एक एक बार गया, कितना रिमाइंडर बचेगा, फिर आपका रिमाइंडर बच जाएगा 7/16। और इसको देखते चलिए, इसको देखते चलिए, देखिए 1/1 दिखने लगा, 1 a की वैल्यू कहां, यहां इसका मतलब 1 a की वैल्यू भी यहां आ चुकी है, लेकिन a के बाद यहां पर प्लस में 1 है, यहां पर क्या है, 7 है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर इसमें ऊपर नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका 1 है, ठीक है। तो उसको देखा देखिए हम लोग यहां पर स्टार्ट करते चलेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, फिर भाग आएगा, फिर यहां पर कुछ वैल्यू जाएगी, फिर यहां पर जब आप देखेंगे फिर मुझे 1 बनाने के लिए फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका तरीका था बेसिक जो आपको करना है और आराम से आप कर भी लोगे, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं उसको आप ध्यान सुनिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका आप यूज एग्जाम में करेंगे, कंपटीशन एग्जाम में। तो यहां पर 16 और 23 जब इस फॉर्मेट में आपने बनाया तो कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या आपको 23 दिख रही है और छोटी संख्या 16 दिख रही है। जैसे आप भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं कुछ वैसा ही मैं आपको यहां बताने वाला हूं, और तुरंत हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। 23 में 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और यहां से कितना बचा, 7 हो गया। और जो भी ये रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल आएगा, तो उसको हम लोग बना लेंगे क्या, भाजक बना लेंगे, भाजक मतलब डिवाइजर बना लेंगे, और यहां वाला जो भाजक होगा इसको हम लोग बना लेंगे डिविडेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। 7 × 2 = 14, ठीक है। फिर ये 2 बचा, फिर ये 7 को मैं इधर लिख दूंगा और कितना आएगा, 2 × 3 = 6, और ये 1 आ गया। फिर ये जो 2 था यहां रख दिया, तो यहां से 1 × 2 = 2, इसका मतलब ये कट जाएगा आपका, यहां से बना क्या, यहां से आपका आ रहा है 1 × 2 = 3 = 2, 1 × 2 = 3 = 2 आपको दिख भी रहा होगा। तो यहां से ये आखिर ये क्या है, समझिएगा ध्यान से। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी का मान आपका डायरेक्ट आ रहा है, ये 1 जो होगा ये ए का मान है, इसके साथ कंपेयर करते चलिए, जो 2 होगा ये बी का मान हो जाएगा, और जो सी होगा वो आपका 3 हो जाएगा। अगर इस 2 के स्थान पर डी देता, डी तो डी का मान कितना हो जाता, 2 आ जाता, वो ऑलरेडी दिया भी है, क्लियर है, वो ऑलरेडी ये वाला 2 दिया भी है। यहां पर बस एक काम की बात है जो आपको ध्यान सुननी है, जरूरी नहीं है कि हर बार ये आपका ए बी सी ही आए। अगर यहां पर इस ए के स्थान पर अगर 2a लिखा होता, यहां 3b लिखा होता, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर लिखते 1 = 2a। अगर ये 3b यहां लिखा होता तो मैं यहां लिखता 2 = 3b। अब 2 = 3b लिखने के बाद फिर b की वैल्यू आप फाइंड आउट करते, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, और बाकी मुझे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन आप अब आराम से आप कर लेंगे। और पूछा क्या, ए बी सी का योग पूछ रहा है, तो चलिए a प्लस बी प्लस सी जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1 + 2 + 3, कितना आ जाएगा आंसर, 6। क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसी पे आपसे माध्य भी पूछ सकता है, तो जब माध्य पूछेगा एबीसी का माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट डायरेक्ट आप समझिएगा, ए प्लस वन अपॉन ए से अगर मुझे ए की पावर चार पे पहुंचना है तो पहले आपको ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर पर पहुंचना होगा, फिर इसका यूज करके आप यहां पर पहुंचोगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद भी तरीका देखिएगा और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है ये भी बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, जब भी ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इसका यूज करके निकालते हैं तो आप लिखते हो ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू, माइनस टू। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फोर का स्क्वायर माइनस टू, सोलह माइनस दो कितना आ जाएगा, चौदह आ जाएगा, चौदह आ जाएगा। किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे पावर चार निकालना है, तो मैं ए की पावर चार प्लस वन अपॉन ए की पावर चार की जब वैल्यू निकालूंगा फिर इसका यूज करूंगा, वही फॉर्मेट। इसका यूज करने का मतलब ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू, मतलब 14 का होल स्क्वायर माइनस टू, और ये आपका जाएगा 196 माइनस टू कितना जाएगा 194, यही आपका आंसर है। 194 कहां पर है, डी ऑप्शन। क्लियर है बात, समझ में। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं किसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब यहां पर बड़ी वैल्यू दे दे, जैसे यहां 34 दे दे, 38 दे दे, या 74 ही क्यों ना दे दे, और यहां पर पावर 8 के अकॉर्डिंग पूछ ले, ए की पावर 8 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 8, तो वहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आसान तो होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो वहां पर जो सबसे बड़ा हथियार आपके लिए साबित होने वाला है वो क्या है, महत्वपूर्ण जो आपके लिए अस्त्र का काम करेगा वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका यूज हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन इस तरीके का होगा तो उनको हम वहां पर निपटा सकते हैं, सोल्यूशन बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होता है, कोई भी अगर होल स्क्वायर नंबर होगा, जैसे मतलब किसी भी संख्या का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं, जो भी संख्या प्राप्त होती है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे यहां पर अगर आप सोचें ध्यान से, हमारा जो फॉर्मेट था कुछ ऐसा ही फॉर्मेट बनता है। आपसे अगर मैं पूछूंगा क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इस माइनस टू को, क्योंकि ये माइनस टू बीच में दिक्कत पैदा कर रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको माइनस टू को हटाने के लिए मैं अगर मैं प्लस टू कर दूं, अपने से प्लस टू कर दूंगा तो माइनस टू प्लस टू गया काम से, तो हमारा जो भी आएगा वो क्या बनेगा, होल स्क्वायर फॉर्मेट बन जाएगा, क्योंकि हम पावर चार वाला देख रहे हैं। तो वही चीज यहां पर भी लागू होता है, ये जो माइनस टू है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने नहीं दे रहा है। तो अगर मैं यहां प्लस टू करूंगा तो ये माइनस टू गायब हो जाएगा, तो जो भी प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा। और यही चीज ऐसा ही फॉर्मेट आपके ऑप्शन में भी होगा, ऐसे ही फॉर्मेट से ही, तभी तो 194 आया। इसका मतलब अगर मैं प्लस दो कर दूं, जैसे यहां प्लस दो किया परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, तो मुझे ऑप्शन में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस दो करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 287 में प्लस दो कर दूं, क्या कर दूं, 287 में अगर प्लस दो कर दूंगा तो अगर आप ध्यान से देखें ये 289 आ रहा है, और 289 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 198 में अगर दो करूंगा ऐड करूंगा तो 200 आएगा, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 291 में करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो हमने जब इसको किया जोड़ा 196 ये आ गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन आए, 196 और 289। इसीलिए तो आपको फॉर्मेट भी पढ़ना है, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि एग्जाम में आप डायरेक्ट ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर से तुरंत सेकेंडों में ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन का दिक्कत पैदा हुए आप तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर देंगे। अब दो ऑप्शन है तो सीरीज बात है, आप इसको आपको लगाना ही पड़ता। तो यहां पर फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, और कुछ नंबर्स तो आपको याद होने चाहिए, 194 कितनी बार दिखता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस के मोड में आते हैं तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप देखते ही आंसर तुरंत आप टच कर जाएं, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो था डी ऑप्शन था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बता दिया और ये भी बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा है, थोड़ा समझते हैं ध्यान से। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इसको जोड़ना है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहां कितना आएगा देखिएगा, 5 2 7 7 और 9 4, क्योंकि ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर रहे हैं, 5 2 7 हो गया, 9 4 कितना हो गया, सॉरी 5 2 7 हो गया, 9 4 आपका 13, 137 हो गया, 137 हो गया। और 137 में अगर मैं 29 घटा दूं,
137 में अगर मैं 29 घटा दूंगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 17 में से 9 आपका जाएगा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 17 में हो गया आपका 8 गया, फिर ये आपका 108 हो जाएगा, 108, और 108 प्लस 54 भी है, तो 54 अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा कितना 162 आ गया, और 162 में क्योंकि 29 घटा चुके हैं अगर मैं डिवाइड 2 कर दूं तो ये आ जाएगा कितना 81 आ जाएगा, मतलब ये अंडर रूट के अंदर आएगा, ये पूरा 81 आएगा, और अंडर रूट के अगर ध्यान दें तो ये पूरा 81 आ गया, और इधर क्या है रूट एक्स है, तो यहां से डायरेक्ट एक्स का मान पूछा है तो डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू गलती से 9 ना बता दीजिएगा, एक्चुअल में यहां पर आंसर क्या है अंदर की साइड को कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 आएगी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है 81, क्लियर है। देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आप सॉल्यूशन बिना क्वेश्चंस को लगाए हुए देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा पहले आप क्वेश्चंस को देखिए उसको लगाइए, फिर आप वहां पर जो मैंने लिखे सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखा है ईबुक के रूप में वहां पर उसको देखिए, वहां नहीं समझ में आता है वैसे देखिए वीडियो तो आपको देखना ही है, पहले तो आप अपने से जितने हो सके प्रैक्टिस करिए, फिर आपको जैसे ही मौका मिले पूरा पूरा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस का जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो यहां बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, नहीं नहीं मिलेंगी, और उसका फिर आप एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था आपका बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th पर आते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में लगाओगे तो 100% आपका 1 मिनट से ज्यादा लगने वाला है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार ट्राई करिए, फिर आप आंसर को टैली करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप कर लिए होंगे, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं और ध्यान समझते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको, अब देखिए छोटी संख्या बोल रहा है लेकिन संख्या कितनी बड़ी दी गई है, इतनी बड़ी देखिए, देखिए एग्जामिनर भी वह बना रहा है। चलिए वह छोटी सी संख्या ज्ञात करो जिसको इससे तथा इससे, मतलब ये संख्या जो दी गई है इतनी बड़ी संख्या, इससे विभाजित करने पर कोई भी शेषफल ना बचे, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब कभी भी इतनी बड़ी संख्या से भाग नहीं देते हैं, हम क्या कोशिश करेंगे इनमें हम लोग फैक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक छोटा नंबर जिसका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो। डिविजिबिलिटी रूल भी एक बहुत ही बड़ा आपके लिए अस्त्र साबित होगा, आपके किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को यूज करना आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने इसको अच्छे से यूज किया और काफी आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर अब देखते हैं कैसे, अगर मैं यहां ध्यान से देखूं क्या ये आपका 3 या 9 से कट रहा है क्या, चलिए चेक करते हैं। अगर 3 9 से कट रहा होगा इसका मतलब इसका एक फैक्टर 3 या 9 होगा, ठीक है। तो जोड़े 6 1 7 7 7 14 4 18, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट रही है। अगर ये संख्या 9 से कट रही है अर्थात इसमें एक फैक्टर इसका 9 भी है। अगर इसमें एक फैक्टर 9 है और बोला भी है कि भाई इससे और इससे इस नंबर से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल ना बचे, इसका अगर इसमें 9 फैक्टर है और इससे संख्या इसमें से कोई कट रहा है तो 100% वो ये संख्या में वही आंसर होगा जो 9 से पूर्णतया क्या हो रहा होगा विभाजित हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है, पूर्णतया विभाजित हो रहा होगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो एक तो पहले तो देखते ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन सा सी ऑप्शन। अब आप बोलेंगे सर क्यों क्यों, आप रीजन पूछिए। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें क्योंकि इससे अगर आप पूर्णतया विभाजित हो रहा है वो नंबर, ये क्या एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, और सम संख्या का अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे क्या कभी विषम आएगा, क्या कभी विषम नहीं आएगा। तो यहां अगर ध्यान दें ये जो संख्या हो ही नहीं सकती थी क्योंकि ये विषम के फॉर्म में दिया, ये तो कटेगा ही नहीं, तो इसको हमने देखते ही एलिमिनेट कर दिया, क्लियर। अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल पे, अब इसमें से चेक करते हैं कौन कौन सा 9 से कट रहा है, ठीक है। चलिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल में जहां जहां 9 दिखेगा उसको काट देंगे। देखिए ये 9 दिखा, ये 9 दिखा, 8 है 9, ये भी 9 देखिए दिख रहा है, यहां देखिए 4 3 7 2 9, ये भी आपका ये संख्या 9 से कट रही है। अभी आंसर को टिक नहीं करना है, अभी बस छोटा सा टिक किया हूं, अच्छे से आ जाएगा तो बड़े से टिक यहां पर लगाऊंगा। आगे बढ़ू, यहां पर अगर आप ध्यान दें, अब ये नहीं कि इसमें भी आप चेक करने की जरूरत है, इसको अगर आप ध्यान से कंपेयर करें तो यहां पर देखिएगा सारे नंबर वही हैं, बस 3 की जगह 2 हो गया है, इसका मतलब 100% ये भी 9 से नहीं कटेगा, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, हो गया क्लियर। अब इसमें और इसमें देखते हैं क्या ये वही नंबर है क्या, हाँ ये वही नंबर है, बस इसको सफलिंग कर दिया गया। देखिए यहां 9 9 है, यहां 9 4 9 हो गया है, मतलब ये 4 इधर आ गया है, तो सफलिंग कर दिया गया, इसका मतलब इसका भी डिजिट सम आपका कहीं ना कहीं जो भी आ रहा होगा 9 से कट रहा होगा। तो अब क्या किया जाए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपका दिमाग पूरा खुलने वाला है, ठीक है यहां पर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे क्या मैंने सीखा यहां पर,
कि इसका जो भी फैक्टर होगा उससे कटना चाहिए। आप लोग इस पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज आप और सोच सकते हो कि अगर जरूरी नहीं कि भाई जो फैक्टर होगा उसी से चेक करेंगे, ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो फैक्टर है अगर उससे नहीं कट रहा है, सीधी बात है, अगर इसमें मान लीजिए हमने इसमें चेक किया और बहुत सारी चीजें उल्टी आ गई, जैसे इसमें जो फैक्टर था आपने उससे चेक किया और उससे कट रहा है, उससे कट रहा है, ऐसा भी हो सकता है जो इसमें फैक्टर नहीं है। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहां पर आपको समझाता हूं, यहां पर यह संख्या क्या आपकी 8 से कट रही है क्या? ये संख्या देखिएगा, ये 8 से कट रहा है, 4 से तो कट रहा है, 4 से तो कट रहा है। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? अगर तीसरा अंक एक सम संख्या है तो लास्ट डिजिट में डायरेक्ट आप भाग देकर पता लगा सकते हैं कि संख्या आपकी 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। इसका मतलब इसमें 8 का फैक्टर है नहीं और ये 8 से तो कटेगा नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है, 8 से अगर ये नहीं कट रहा है तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा जो 8 से नहीं कट रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अर्थात जो 8 से कट रहा होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। उल्टा देखा ना मैंने इसमें, तो यही मैं बता रहा था। अब यहां पर चेक करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल, आपको अच्छे से पता है, लास्ट टू डिजिट में हमें चेक करना है। तीसरा अंक अगर सम संख्या है तो डायरेक्ट हम 92 में 8 से भाग देते हैं, क्या ये कट रहा है? तो आप बोलोगे सर ये 8 से नहीं कट रहा है, और अगर ये 8 से नहीं कट रहा है तो इसके चांसेज हैं आंसर आने के। यहां पर आते हैं, और जो 8 से कट रहा होगा सीधी बात है वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 8 फैक्टर है ही नहीं है, और अगर 8 फैक्टर नहीं है तो 8 से कैसे कट गया? अगर 8 से कट गया तो सीधी बात है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां देखिएगा, इसमें 9 क्या है? एक विषम संख्या है, इसलिए इसमें हम 4 जोड़ देंगे 8 की डिविजिबिलिटी रूल में, लास्ट टू डिजिट में 4 जोड़ेंगे 96 आ जाएगा, और 96 आपका 8 से कट जाएगा। चेक कर लो, कट गया। इसलिए अगर ये कट गया तो जो कट गया वो 8 से जो कट गया इस सीरीज बात वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं कटा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो आपका क्या था? ए ऑप्शन। मैंने काफी टाइम लेकर बताया, लेकिन इस क्वेश्चन से आपका दिमाग कहीं ना कहीं खुल गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे तो उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम एससीएफ का ही है। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 98 और 105 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में शेषफल आपका 10 बच जाए? प्रत्येक अवस्था में क्या हो जाए? शेषफल बच जाए। तो एग्जाम वाला मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, बाकी तो मैंने आपको इसको डिटेल में भी बताया, आप ई बुक में भी देख सकते हैं। 98 और 105 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो ये बताइए आपका शेषफल क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो 98 से तो हम भाग देंगे नहीं, 98 से तो भाग देंगे नहीं, तो मैं किससे भाग दूं? ध्यान दीजिएगा, मैं किससे भाग दूं? तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस 98 की बात करता हूं, ठीक है, इस 98 की अगर मैं बात करूं, या ऐसे भी देख लीजिए, 105 में क्या 3 फैक्टर है क्या? हाँ, 105 आपका 3 से कट रहा है। इसका मतलब 105 से भाग देने पर भाई दोनों ही अवस्था में 10 शेषफल बचना चाहिए। 105 से भाग दूंगा तो 10 बचेगा, तो 3 से भाग देने पर क्या 10 बचता है क्या? भाई सीधी बात है, जो भी भाजक होता है शेषफल हमेशा इससे छोटा आता है। अब मैं 3 से क्यों चेक करूंगा? क्योंकि इसका फैक्टर 3 से चेक करना ज्यादा आसान है। तो 3 से जब मैं भाग दूंगा तो शेषफल 10 नहीं आएगा, इसीलिए जब आप 3 से चेक करोगे तो इस शेषफल में भी आप 3 से भाग देकर देख लो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए। 3 से भाग दोगे तो एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, जो एक रिमाइंडर देगा वही हमारा आंसर होगा। और भाई 3 और 9 के लिए बस क्या करना? बस जोड़ना है और भाग दे देना है। 8 4 12 1 13, 13 में अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो एक रिमाइंडर आएगा, तो इसके चांसेज हैं। 4 1 5, 5 में अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 2 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। यहां देखिए 6 4 10 1 11, 11 में अगर मैं 3 से भाग दूंगा यहां भी 2 रिमाइंडर आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। ये भी आपका एक यहां भी आ रहा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ए और डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या किया जाए? अब यहां पर 98 अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये 7 से कट रहा है क्या? 7 से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी संख्या 7 से कट रही है। किससे कट रही है? 7 से कट रही है। और 7 से जब आप काटोगे तो ये आपका बनेगा, देखिएगा 7 से कट रहा है, तो 10 में अगर आप भाग दोगे 10 से, मतलब 7 से, तो कितना रिमाइंडर बचा? 3। इसके अलावा वही हमारा आंसर हो जाएगा 7 से भाग देने पर, जो 3 रिमाइंडर देगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 7 2 14, 7 6 42,
7 × 14, मतलब ये ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है 3 रिमाइंडर नहीं दे रहा है। ये 100% 3 रिमाइंडर देना चाहिए और होगा भी, क्योंकि 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गया है तो आपका आंसर यही होगा। चाहे चेक कर लो, 7 × 14 कट गया और बचा क्या 8, 7 × 7 फिर 1 बचा 10, 7 × 7 3 रिमाइंडर बच गया ना, इसका हमारा आंसर क्या होगा 100% यही आंसर होगा। तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल वाला जो अस्त्र है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज करके आपकी एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके हर क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। और स्पीड की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्पीड तो आप देख ही रहे हो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। ये आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपके, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, मैथ्स से रिलेटेड अगर एग्जाम हो रहा है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन फंसने के चांसेज हैं। x x + 2 - 72 के गुणनखंड है। अब इसको अगर आप गुणा करोगे ना तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक में जाएगा, जिसमें x की पावर 4 होता है। उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सब बेकार है। हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आसान करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। यहां से आप क्या करिए, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां पर आप देखिए, पहले ही 0 अगर होगा तो ये इनटू में है तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, इसकी कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास बचा क्या, -72। इसका मतलब x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये आपका -72 आया, तो इसका मतलब इसमें भी अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो हमारा -72 आना चाहिए। जो -72 देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, आप चाहें तो x बराबर 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, जो भी चाहे वो भी पुट कर सकते हो, क्लियर है। अगर 0 पुट करने पर हमारे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, जो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं उनको एलिमिनेशन ही, मतलब उसको एलिमिनेट ही मानेंगे, बाकी उसको फिर नहीं चेक करना है। फिर आप क्या करिए, x = 1 रखकर चेक कर लीजिए कितना आ रहा है यहां से, फिर इसमें रखिए जो 2 ऑप्शन बचे हैं, आपका आंसर तुरंत टैली कर जाएगा। ज्यादा बड़ी संख्या नहीं लेनी है, ज्यादा बड़ी संख्या लेंगे तो फिर कैलकुलेशन मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा, कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। तो अब आप 0 पे देखते हैं, तो अगर यहां 0 रखेंगे तो क्योंकि इनटू में है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए भी ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि हमारा हमें चाहिए क्या, -72। यहां पर आए, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, देखिए मैं इसको काट दे रहा हूं, मतलब ये x 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी x इनटू में, ये भी x है, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचा, इनटू में है तो 6 × -1 - 6, -6 × -12 2 माइनस आा गया, इसका मतलब +72 आएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, -72 चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, चलिए आगे बढ़े। यहां पर देखें, x को देखिए काट दीजिए भाई, 0 हो जाएगा, काटने वाला ये पूरा 0 हो गया। यहां देखिए -1 + 6 - 6 - 6 × 12 1 माइनस आया, इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन आपका -72 दे रहा है। सारे ऑप्शन चेक करने हैं। यहां पर देखिए, ए एक्स 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखिए 2 माइनस आ रहा है, इनटू करने पे 2 माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये +72 देगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, सी ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, x = 1 रखकर आप चेक कर लो, वहां से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अच्छा है, तरीका है, और सबसे बेस्ट तरीका है, इससे फास्ट आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 पर। 7 पर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में जो आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा सर्ज कौन सा है, सबसे छोटा सर्ज कौन सा है, ठीक है, कर्णी कौन सा है, तो वो आप आराम से बता सकते हैं। इसके लिए जो आपका बेस्ट तरीका है, क्या करना, ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा, जो यहां पर दिख रहा है ना, कर्णी घात में 3, 4, 6, 12, इसको आपको समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो जब समान करेंगे तो अंदर की साइड जो भी होगा उसको आप देखकर तुरंत बता देंगे, उसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, 2, 3, 1, 4 और 5। अगर मैं पूछूं इसमें से कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये 5 बड़ा है, कौन छोटा है, तो आप बोलोगे 1 छोटा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने लगा दिया क्यूब रूट, सभी में मैंने यहां पर क्यूब रूट लगा दिया। अब कौन बड़ा है, तो अभी भी ध्यान दीजिएगा, अभी भी आपका वही बड़ा था जो 5 था, क्लियर है। मैं यहां पर चाहे 4 सभी जगह 4-4 कर दूं अंदर की साइड, चाहे मैं यहां 31 ही कर दूं, 31 ही क्यों ना कर दूं, जो आपका अंदर बड़ा होगा वही अंदर होगा। अर्थात यहां से क्या समझ में आया, कि आपको कर्णी घात में यहां पर जो 3 दिख रहा है, ये 4 जो अलग अलग हैं, अगर मैं इनको बराबर करने में कामयाब हो गया तो अंदर जो बड़ा होगा उसी को देखकर हम बता देंगे कि हमारा आंसर क्या रहा है। अब कैसे करेंगे, इसको बराबर अगर करना है तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 3, 4, 6, 12 का एलसीएम क्या होता है,
12 ही होगा। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, तो क्या करना है टाइम बचाने के लिए, आप इसको पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए, 12 कब आएगा, 3 चौक 12, तो 4 बार गया, तो जो भी अंदर होगा 5 की पावर 4 लगा देंगे। लेकिन एग्जाम में यह भी नहीं लिखना है, क्योंकि हमें स्टेप भी कम करना है, तो 5 की पावर 4 आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 625, आपको यह स्टेप डायरेक्ट लिखना है। इनफैक्ट यह भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों लगाऊं मैं, क्योंकि मुझे पता है भाई ये तो सभी जगह लगा होगा, तो इतना लिखने में तो टाइम जा रहा है, तो मैं अंदर वाली चीजों को देख कर ही बताऊंगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, सिर्फ 625 लिखूंगा। लेकिन अंडर स्टूड होंगे आप, समझते रहिएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, 4 3 12, 3 बार गया तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे, लेकिन ये लिखना नहीं है, 216 अब मैं लिखूंगा भी नहीं। देखिए, 6 दुनी 12, 6 दुनी 12, 2 बार गया तो 12 का स्क्वायर लगा दीजिए, कितना आएगा, 144, ये 12 ही है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप देख के लिख देंगे, ये 12 ऑलरेडी है, 12 एक कम 12, तो ये 276 ही रह जाएगा। अब अंदर वाले नंबर को देख लीजिए, जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 625, 625 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये वाला सर्ट्स आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता, 144 वाला, मतलब तीसरा नंबर, ये सर्च क्या हो जाता, सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस चल रहा है, तो अगर मैं इसमें भी डीपली जाऊंगा तो बहुत ज्यादा आपका टाइम लग चला जाएगा, किल हो जाएगा। बस ये जिस तरीके से बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे बस ऐसे ही कर देना है, तुरंत आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। हर क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके पास में लेकर आया हूं, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से सारी बातें यहां पर समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पर जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्या है, सीधी सी बात है, यहां पर 1/0.4 है, इस तरीके से दिया गया है, और कितने पद हैं, 8 पद दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व करके आपको जोड़ना है 8 पद तक, फिर A का मान बता देना, कोई A का मान होगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचें, ध्यान से, यहां पर हम लोग निकाल क्या सकते हैं, यहां पर हम लोग डिजिट सम का यूज करके बड़े आसानी के साथ आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, समझिएगा, आपसे अगर मैं पूछूं दशमलव और परसेंटेज में आराम से आप डिजिट सम का यूज कर सकते हैं। जब भी नीचे की साइड, जैसे मैं इसको ही उठाता हूं, ध्यान दीजिएगा, 1/0.4, जब भी नीचे अगर 4 है तो कोशिश करिए, नीचे अगर 4 है, क्योंकि इसका डिजिट सम 4 ही रहेगा, दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप जब 4 रहेगा नीचे तो ऊपर नीचे आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि जब आप 7 चौक 28 करोगे तो 28 को फिर जोड़ोगे 8 2 10 10 को फिर जोड़ोगे, क्या आ जाएगा, 1। डिजिट सम का मतलब यही होता है कि आप सिंगल डिजिट में उसको लेकर आना है, तो 8 2 10 हुआ, फिर 10 को जोड़ेंगे तो 1+0 1 आ जाएगा, तो 28 का जो डिजिट सम आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, इसका मतलब नीचे की साइड आपका 1 बन जाएगा, क्लियर। तो पहले वाला जो पार्ट है, पहला जो टर्म है, इसका डिजिट सम कितना निकल कर आया, 7, क्योंकि नीचे से 1 आ जाएगा और यहां 7 आ जाएगा। अब थोड़ा सा चालाकी बरती है क्या, क्योंकि इसमें भी दशमलव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही चीज है, वही नंबर है, इसका मतलब इसका भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा, तो इसका मतलब 7 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, 8 बार, इसका मतलब जो 7 होगा ये आपका 8 बार आएगा, तो 8 7 56, या 7+7+7+8 बार लिख दो 7 को, या 7 × 8 कर दो। अब 56 का भी डिजिट सम निकालेंगे कितना आएगा, 6 5 11, और 11 को फिर जोड़ देंगे कितना जाएगा, 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी डिजिट सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऑप्शन में भी जहां डिजिट सम 2 आ रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करा जाए, यहां पर अगर आप ध्यान दें, देखिए 7 2 9 7 2 9 9 9 को काटते जाइए, यहां से डिजिट सम क्या निकल कर आया, 5, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें चाहिए कितना, 2। आगे बढ़े, यहां देखिए 5 2 7 2 9 5 2 7 2 9, अब देखिए 5 × 10 5 × 3 15, 15 को फिर जोड़ूंगा कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्लियर। आगे बढ़े, 7 2 9, और 7 देखिए अब कितनी बार है, 3 3 6 3 3 6, मतलब 7 7 को 6 बार जोड़ना है, तो 7 6 42, 42 का मतलब क्या हो गया, 6, और 6 5 11, और 11 को फिर जोड़ूंगा, यहां डिजिट सम कितना निकल कर आया, यहां से 2 निकल कर आ गया, शायद सी वाला चांसेस हो सकता है, लेकिन डी को भी चेक करना पड़ेगा। चेक करा जाए तो यहां देखिए 5, देखिए 5 × 10, देखिए 5 कितनी बार, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 5 × 8 40 हो गया, और 40 का मतलब डिजिट सम कितना आया, 4, लेकिन 1 2 भी छूटा था, 4+2 कितना आ गया, 6, तो 6 भी नहीं हो सकता था, हमारा आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि डिजिट सम में क्या आना था, 2 आना था, ठीक है।
मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं आप डिजिट सम, ये सारे जो आपके ब्रह्मास्त्र हैं, ये भाई इसका नाम मैंने ब्रह्मास्त्र रखा है क्योंकि कई जगह हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हाँ यहां पर समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूं जो आप करते हैं। आप क्या करते हो, सभी को जोड़ोगे और जितनी भी संख्या रहेगी उससे भाग दे दोगे। लेकिन यहां पर हम लोग अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग यहां पर करते हैं तो बड़े आसानी के साथ आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दो तरीके से, आपको यहां पर दो ऑप्शन से मैं आपको बताता हूं करके। एक तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑप्शन को आप ले लेंगे एक बार में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले मैं वो ऑप्शन लेता हूं जो आपका आंसर है, जैसे इस क्वेश्चन का अगर आप देख रहे होंगे आपका आंसर ये आ रहा होगा 2087। फिर मैं एक बार 2086 लेकर बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए क्या हो रहा है। देखिए, जब भी औसत की बात होती है, फार्मूला आप सभी को पता है, सभी का योग करके जितनी भी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं, हमारा औसत आ जाता है। लेकिन उसको जोड़ने में भी टाइम जा रहा है, तो उसको आसान करने के लिए हम लोग यहाँ पर डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। डेविएशन का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा, कि जैसे मान लेते हैं लेट का मतलब माना हमारा जो एवरेज है, जो हमारा औसत है वो क्या है 2087 है, इसको हमने मानक मान लिया। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके साथ आपको सारे ही जो आंकड़े होंगे, इन संख्याएं होंगे, इनके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब इसमें और इसमें कितने का डेविएशन आ रहा है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये 87 ये 95 है, तो ये किस में चला गया, प्लस में चला गया भाई, इससे बड़ा हो गया, तो इसमें कितने का डेविएशन हुआ, तो आप देखोगे इसमें 8 का डेविएशन हो रहा है। देखिए 95 है ना, तो 8 का डेविएशन प्लस में हो रहा है, तो मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं, माइनस होगा तो माइनस में लिखूंगा। यहां देखिए 89 ये 87 है, तो इसमें कितने का डेविएशन हो रहा है, सभी को ऐसे लिखते चलिए। अगर आपका 2087 अगर यही हमारा एवरेज होगा, तो इनके जो डेविएशन आएंगे जोड़ने घटाने पे जो भी आ रहा होगा, उनको अगर हम जोड़ेंगे, अगर जीरो आ गया, क्या आ गया, अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब जो हमने माना है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर जीरो नहीं आया तो फिर मैं दूसरा स्टेप, जब 2086 आएगा तब मैं एक बार उसको भी बता दूंगा, आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें कितना ज्यादा है, चार ज्यादा है, इसमें एक कम है। देखिए 77 है, इसमें 10 कम है, तो माइनस 10 कर दिया। यहां पर देखेंगे तो अगर आप यहां पर देखें तो यह भी आपका 14 कम है भाई, 77 मतलब 10 कम है तो 4 और कम हो जाएगा, 73 4 77 हो जाएगा ना, तो यहां से इतना हो गया। अब इसको जोड़ने पर देखिए क्या आपका अच्छा एक नंबर और है 2097 में कितना आ रहा है, 10 ज्यादा आ रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर आप ध्यान से देखें, ये -10 + 10 जीरो हो जाएगा। यहां देखिए 8 2 10 10 4 14, प्लस में 14 और माइनस में 14, इसका मतलब ये जीरो आ गया। और अगर डेविएशन ओवरऑल अगर आपका जीरो आ जाता है तो जो भी आपने माना है वही हमारा औसत हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अगर ये दूसरा मैंने माना होता तब क्या होता, उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। अब मान लेता हूं मैं, समझ में आया सभी को, अगर मैं अब इसको एवरेज को 2086 मान लूं, जो हमारा ऑप्शन है पहला 2086, अब आप देखिएगा यहां पर आपका डेविएशन क्या हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा 2086 से कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका आ रहा है +9, यहां से कितना आ रहा है, यहां से अच्छा मैंने रफ कर दिया, बाकी तो आप पता ही है एक एक घटाते चलते ज्यादा सही हो जाता है, साथ जोड़ते चलते ना, पहले आपका था 87, हाँ एक एक जोड़ते चलते तो आपका पूरा बन जाता। फिलहाल देखिएगा ध्यान से, हाँ यहां पर देखिएगा 2089 है तो कितना ज्यादा है, +3, यहां पर देखिए कितना ज्यादा है, +5, यहां पर देखिए यहां पर कम है, कितना कम है, -9, नहीं सॉरी ये आपका है हाँ -9, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर आपका हो जाएगा 7 और 6 13 की कमी है। 97 में अगर आप आते हैं तो +11 आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका ओवरऑल आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, तो 9 + 9 - 9 गया काम से, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान दें 5 3 8, ठीक है, 8 और 11 कितना हो जाएगा 19 19 19 - 13 कितना आ गया 6। अगर आपका ये 6 आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब जो आपने माना है ये और एवरेज नहीं है। अगर ये प्लस में अगर आ रहा है, अगर ये प्लस में आ रहा है इसका मतलब हमारा जो एवरेज होगा इससे ज्यादा होता, अगर ये माइनस में आ रहा होता तो हमारा एवरेज इससे कम होता। बात समझ में आ रही है,
अब आखिर इस सिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर एवरेज में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये छह आ रहा होगा सभी के हिस्से में बराबर बराबर आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सभी के हिस्से में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अर्थात हमारा एवरेज का मतलब यह है कि सभी को हमने एक मानक मान लिया है कि भाई 2086 है, तो मैं अगर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो छह में बराबर बराबर हिस्सा लगेगा, तो छह बटे छह मतलब सभी के हिस्से में कितना आएगा, एक। और सभी में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो सीरीज बात है हमारा औसत में भी एक की वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा जो औसत हो जाएगा एक्चुअल वाला वो कितना हो जाएगा, 2087। क्लियर है? तो इस तरीके से आप, सॉरी 86 तो वो मान्य माना था, तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा, 2087। मैंने टाइम लेकर बताया, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको एवरेज के क्वेश्चंस में आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और डीआई वाले सेक्शन में भी हम लोग आसानी के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 999 तथा 9999 से पूर्णतया विभाजित हो रही हो। इसका भी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम लोग वैदिक मैथ से यूज करते हैं, और चाहे आपका 99 हो, चाहे 9 हो, चाहे 999 हो, चाहे कुछ भी 9 के केस में हो, हम यहां पर डिजिबिलिटी रूल मतलब जो इसको चेक करते हैं बड़े आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो समझिएगा ध्यान से। जब भी आप, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मैंने पूछा कि 99 की डिजिबिलिटी रूल क्या होगी, मैंने एक नंबर लिखा 9802, मैंने बोला क्या यह संख्या 99 से कट रही है, 99 से कट रही है, तो 99 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है। अब 9×11 में नहीं करना है, जैसे काफी लोग 9×11 करते हैं। 99 का बड़ा आसान तरीका है, आप इधर से दो दो का पेयर बना लो। क्यों? क्योंकि दो अंक का 99 का मतलब क्या है, 99 दो अंकों का है, तो मैंने इधर से दो दो का पेयर बना लिया, और इसको जब जोड़ूंगा तो जोड़ने पे आपका 99 का मल्टीपल आना चाहिए, 99 से कटना चाहिए। तो 98 2 कितना आ गया, 100। ये 99 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आपका संख्या 99 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर यही नंबर मैंने लिखा होता 9801, अब मैं दो का पेयर बनाता और अब मैं जोड़ता तो क्या जाता, 99 से कट जाता। देखिए 98 और 1 कितना जाएगा, 99, और ये 99 का स्क्वायर भी है। क्लियर है, समझ में आ गया? ऐसे ही अगर आपको 999 से चेक करना होगा तो इधर से इकाई तरफ से तीन तीन का पेयर बनाना होगा, इससे चेक करना होगा तो चार चार का पेयर बनाना होगा। क्लियर है? तो चलिए चेक किया जाए, चेक करते हैं। अब आप बोलेंगे सर अगर यहां पर जैसे 7 अंक है तो 4 अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो इधर तो 3 ही बना, कोई दिक्कत नहीं, उसको ही जोड़ लो, क्योंकि इधर आप 0 तो लगा सकते हो ना, तो 4 तो बना लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप कैसे करना चाहोगे, देखिए 999 से चेक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे बढ़िया क्या है 4 अंक वाला पेयर बनाकर आप डायरेक्ट कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चलिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें वो डायरेक्ट आपको आंसर दिख भी लग रहा होगा, कौन सा, डी वाला ऑप्शन, देखिए दिख रहा है क्या, क्योंकि अगर मैं इधर से 4 का पेयर बनाऊंगा, ये 4 अंक का, ठीक है, और 110 ये बचा, अगर मैं 110 इसमें जोड़ देता हूं, किसमें, इसमें जोड़ दीजिए 110, देखिए 9 9 9 मतलब यही आना चाहिए था और यही हमारा आंसर था। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आसान कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें जोड़ोगे तो भाई ये तो ज्यादा चला जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, देखने ही पे लग रहा है अब, यानी कि बार बार लिख कर चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऐसे ही जब 999 से चेक करेंगे वो भी कटेगा, आप क्या करो तीन तीन का पेयर बनाकर चेक कर लो। चलिए मैं इसी में दिखा देता हूं, 889 और 109 को जोड़िए, 889 109 और बाद में क्या बचेगा, एक बच जाएगा, ठीक है, एक को भी जोड़ दो, तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो ये आपका 19, 819, और देखिए 999 आया कि नहीं आया, तो आराम से आप कर सकते हैं, किसी से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चेक करना होगा तो सबसे बेस्ट क्या होगा, क्योंकि जल्दी अगर करना है तो आपको ज्यादा वाला ही अंक वाला लेना पड़ेगा जो आसानी के साथ पेयर के रूप में बन जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका फैक्टर, ठीक है, फैक्टर थ्योरम से ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो यहां से आपसे K1 और K2 का मान पूछ रहा है, K1 और K2 का मान पूछ रहा है। बोला है यदि x-1 और x+3 इस, ये जो आपका पॉलिनोमियल दिख रहा है इसका एक गुणनखंड हो तो K1 का मान आपको यहां पर बताना है, मतलब यहां पर लिखा था K1 और K2 का, यहां पर आपको मान बताना है।
सीधी सी बात है, वो समझ ही रहे हैं आप, ऑप्शन के थ्रू भी समझ गए आप। तो फिलहाल यहां से देखते हैं, जब भी अगर फैक्टर की बात होती है, इसका मतलब ये है कि x बराबर x माइनस वन जो दिया है बराबर जीरो करके x बराबर वन आप x के स्थान पर रख देते हैं, और रखने पर आपको अगर वो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अर्थात बराबर आपको जीरो करना पड़ेगा। मैं वन वैल्यू रखूंगा x पे तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस के वन प्लस के टू बराबर जीरो बराबर जीरो। इसका मतलब यहां से एक इक्वेशन बन गया के वन प्लस के टू बराबर माइनस वन, के वन प्लस के टू बराबर क्या आ गया माइनस वन। अब थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि दो वेरिएबल हैं, तो अब आप क्या करोगे x बराबर माइनस थ्री भी यहां रखोगे, यहां पर माइनस थ्री रखकर फिर बराबर जीरो करके एक इक्वेशन और आ जाएगा। मतलब ये पहला इक्वेशन आ गया, दूसरा भी इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, के वन और के टू का मान आ जाएगा। लेकिन इसको रखने से पहले ठीक है, आप डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं जा सकते क्या, K1, K2 का मान तो पता ही है, इसका मतलब जो जिसका सम माइनस वन दे रहा होगा वही आंसर होगा, चेक करा जाए क्या। यहां देखिए माइनस टू माइनस थ्री क्या माइनस वन देगा क्या, नहीं होगा ऑप्शन, आ रहा समझ में। टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री क्या देगा माइनस वन दे सकता है, मतलब इसका चांसेज है अभी, लेकिन पूरा चेक करना है। ये देखिए टू प्लस थ्री ये पांच आ रहा है, ये नहीं होगा। यहां पर देखिए माइनस टू प्लस थ्री ये प्लस वन दे रहा है, ये भी नहीं होगा, इसका हमारा आंसर क्या है बी। हर जगह आपको नई नई चीजें मिलेंगी, और ये चीज विश्वास मानिए आपने जो भी इस कोर्स में अगर आप शामिल हुए हैं तो 100% आपको मजा आ रहा होगा, आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि हम फंस गए हैं, ठीक है, ये मेरा टैग लाइन है, तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे, आप 100% कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, आप कहीं भी पढ़े हो, क्लियर। चलिए तो यहां पर आप चाहें तो इससे भी कर सकते थे, आप चाहो तो x बराबर माइनस थ्री पुट करते, एक इक्वेशन बनता, फिर उसको सॉल्व करते, टाइम ज्यादा लगता, वो आप कर भी सकते हो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने ई बुक में भी आपको दिखा दी हैं, अगर आप चाहें तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो ई बुक में मैंने पूरा अच्छे से आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो 2 और माइनस थ्री आएगा, क्या आएगा 2 और माइनस थ्री, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, बहुत ही आसान तरीका, अगर प्रथम करके प्राकृतिक संख्या बोल रहा है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मेट बन जाता है n प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू। आपको क्या करना है, 93 का मतलब n की जगह पे 93 रख दो, 93 प्लस वन बाई टू, और इसको जोड़ लेंगे तो 94 बटे दो, दो से भाग दे दीजिए, दो चौक आठ, दो सत्ते 14। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 47 होगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया गया है, यदि एक संख्या को दो से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला आपको अटैक करना है किस पे, क्वेश्चन के क्वेश्चन में कहां पर अटैक करना है, एचसीएफ को ढूंढना है। एचसीएफ जैसे ही मिला, जैसे यहां पर आप ध्यान दें कि यहां पर जो आपका एचसीएफ है ये कितना है 19 है, 19, इसका मतलब अगर एचसीएफ 19 है, चाहे आपसे दूसरी संख्या पूछे, चाहे एलसीएम पूछे, चाहे दोनों संख्याओं का योग पूछे, चाहे उनका गुणनफल पूछे, चाहे दोनों संख्याओं का अंतर ही क्यों ना पूछे, वो 100% एचसीएफ से क्या होगा, पूर्णतया विभाजित होगा, डिविजिबल होगा, क्लियर है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, एक बार में आंसर आ जाए, ऐसा कई बार होता है, ठीक है, एग्जाम में। तो इस अप्रोच को पहले अप्लाई करेंगे फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो चांसेस तो बढ़ेंगे ना हमारे आंसर सही होने के। तो 19 से अगर आप भाग दोगे तो देखिए टेबल में देखिए आपको सारा चीज दिख रहा है, इसीलिए मैंने बोला भी है कि 1 से लेकर 20 तक का टेबल एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर सिर्फ टेबल आप याद कर लो तो ये विश्वास मानिए कम से कम 3 से 4 मिनट आप बचा सकते हो, सिर्फ टेबल की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप उस पर ध्यान ही नहीं देते,
टेबल का मतलब अगर मैं 18 नवैया पूछ रहा हूं तो तुरंत आपको बताना है, 19 अट्ठे पूछा तुरंत बताना है, ठीक है। ये नहीं कि 19 का टेबल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, 19 से कम 19, 19 दुनी, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए ये कट गया, अब आप देख रहे हैं सारे ऑप्शन आपके 19 से कट रहे हैं, तो अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी लग पाएगा, ठीक है। हाँ इतना तो जरूर है, अगर जो तुक्का मार रहा होगा तो सी को तो नहीं मारेगा, ठीक है। तो तुक्का मारने की भी टेक्निक आप सीखते रहिए। अब जब भी दिमाग काम ना करे तो दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि एलसीएम अगर आपका दिया है और एचसीएफ दिया है तो ये आप नोट कर लेना, एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो होता है वो बराबर क्या होता है, एबी। एबी क्या है, एबी जो होता है आपका सह अभाज्य संख्या का गुणनफल है, सह अभाज्य संख्याओं का ये क्या है, गुणनफल है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब जिनका एचसीएफ क्या रहा होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अब एलसीएम पता है 342 लिख दीजिए, 342 में 19 का भाग दे दीजिए, ये कितनी बार जाएगा, 18, ये जो 18 होगा ना यही एबी है, यही एबी है। इसका मतलब अब आपको एबी बराबर अगर 18 आ गया है तो एबी का पेयर बनाना है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा भी था कितने जोड़े संभव हैं, वही तरीका आपको अगर पता है तो आप आराम से क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब अगर इनटू में अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया भी था कि तुरंत एक पेयर तो आपका ये रहेगा ही रहेगा, 18 और 1 का, 18 गुणे 1 इनका एचसीएफ 1 ही रहेगा, ठीक है। 6 और 3, 6 3 18, 6 3 नहीं ले सकते क्योंकि उनका एचसीएफ 1 नहीं है, इसका मतलब ये चीज का भी ध्यान रखना है, क्राइटेरिया जो होता है। तो 6 3 नहीं ले सकते, लेकिन 18 तो हो रहा था लेकिन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उनका एचसीएफ 1 नहीं है। उसके अलावा 9 और 2 बन गया, 9 और 2 बन गया, क्लियर। अब आप इस लॉजिक को देखिए, यहां लिखा भी है ना, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल क्या आ रहा हो, 19 आ रहा हो। आप समझिएगा ध्यान से, यहां पर 9 2 बन गया, इसका मतलब ये आपका सहभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है। और इन्हीं सहभाज्य संख्या में जब आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका संख्याओं में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके संख्या थे। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो आप चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 पेयर बने हैं तो 2 संख्याएं, मतलब 2-2 संख्याएं एक यहां से बन सकती हैं, एक यहां से बन सकती हैं, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहां से सीधे दिख रहा है यही आंसर की चांसेस हैं, क्योंकि 19 नौइया 171 तो ये पहली संख्या बन गई दूसरी संख्या, और 19 दुनी 38, मतलब हमारा जो संख्या आया एक 171 आया और एक 19 दुनी 38 आया, ठीक है। अब 38 जो होगा, अब क्राइटेरिया चेक करते हैं, यदि किसी एक संख्या में 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आता है, कोसेंट क्या आता है, 19। 38 में अगर हम 2 से भाग देंगे कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, तो 100% जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 171 होगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आसान सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यह है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 12 वर्ष का ब्याज उस धन का 3/5 होगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप दर निकालते हैं, जब भी आप दर निकालोगे तो दर हमेशा आपका वार्षिक होता है, और यह जो दिया है ना 12 वर्ष का ब्याज तीन उस धन का मतलब, अब यही चीज समझना है, लैंग्वेज आपको समझवाना चाहिए, उस धन का मतलब ये 5 यूनिट जो है ये आपका बता रहा है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट बता रहा है, और ये 3 क्या बता रहा है, ब्याज बता रहा है। इसका मतलब जो 3 यूनिट ब्याज है और ये मूलधन है। फार्मूला क्या होता है, दर का जो फार्मूला होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। लेकिन यहां पर ये 5 तो मूलधन है अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 यूनिट, और ये लेकिन जो 3 है ना ये 1 साल का नहीं है, ये 3 जो ब्याज है 3 यूनिट ये 12 वर्ष का है। तो मैं इसको दर निकालते समय जैसे 12 वर्ष में 3 यूनिट तो 1 वर्ष में 3/12 तो मैं इंटू 12 यहां कर दूंगा और गुड़े 100 कर दूंगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 चौक 12 और 5 चौक 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। तो दर जो आपका होगा ये कितना होगा, 5%। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है, आंसर हमारा जो होगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। यहां दिया है यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घन दिए हैं उनके आयतनों का अनुपात, मतलब V1 is to V2 जो है ये दिया है 27:1,
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो रहा है, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। यहां पर कई तरीके के क्वेश्चन इस बेस पे बनते हैं, ठीक है, कई तरीके के बनते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट आयतन दिया है और आयतन दिया है डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट आप सबसे पहले क्षेत्रफल पर नहीं आते हैं, डायरेक्ट पहले आप भुजा पर जाएंगे। भुजा पर, भुजा का मतलब मान लेते हैं जो पहला घन है V1 जो है जिसका आयतन है उसकी भुजाएं A1 होंगी, और जो दूसरा आपका घन है जो V2 जिसका आयतन है उसको मैंने A2 मान लिया। दो चीज है, दोनों चीज वाइस वर्सा के रूप में आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आयतन दिया है तो जैसे आयतन अगर दिया है, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकाल लूंगा, क्योंकि आयतन में जो इसका यूनिट होता है ये क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है। अगर मैं इसका घनमूल ले लूंगा तो ये मीटर में पहुंच जाएगा, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास आयतन का रेशियो दिया है तो मैं डायरेक्ट भुजा तक पहुंचने के लिए इनका क्यूब रूट ले लूंगा, और जब इनका क्यूब रूट लूंगा तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 1 का क्या होता है, 1। क्लियर है, ये मीटर में पहुंच गया। अब क्षेत्रफल का जो एरिया जो होता है उसका जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये जो भी होगा अब इसको आप क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, तो इसका मतलब जो हमारा एरिया का रेशियो आएगा डायरेक्ट, अब आप क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 9:1, क्या होगा, 9:1। यही चीज दूसरे भी तरीके से पूछा जा सकता था आपके एग्जाम में। मान लीजिए बोल देता दो घन है जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:1 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तुरंत बता देते इसका स्क्वायर करके। पूछा होता इनके घन का, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इसका क्यूब कर देते तो डायरेक्ट आ जाता। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है वो आपका क्या है, 9:1, कितना होगा, 9:1, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, जो क्वेश्चन है यहां पर दिया गया है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% का लाभ होता है तो x का आपको क्या बताना है, मान बताना है, ठीक है, x का यहां से आपको मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसे क्वेश्चन को आप आसान बना सकते हैं, और ये कैसे बनाएंगे इस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका 60 वस्तु दिए गए हैं, कितना, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक तरफ सीपी लिख लीजिए, एक तरफ एसपी लिख लीजिए, एक तरफ वस्तु लिख लीजिए और एक तरफ मूल्य लिख लीजिए, प्राइस, वस्तु का मतलब क्वांटिटी और ये आपका प्राइस। यहां पर अब थोड़ा सा हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। और कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का, तो मैंने यहां नीचे सीपी के नीचे 60 लिख लिया क्योंकि ये वस्तु है, तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के, इसको एक्स लिख लिया, विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% का लाभ होता है तो एक्स का मान क्या, बताओ। जब भी वस्तु के फॉर्म में देता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी वस्तु के फॉर्म में देगा तो आप इसको मूल्य में बनाने के लिए इसको आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, मतलब ये एक्स इधर आ जाएगा और ये आपका इधर क्या जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है, 60 आ जाएगा। इसका मतलब अगर लाभ हो रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 20% का लाभ है तो सीधी बात है लाभ में आपका एसपी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है सीपी से बड़ा होता है। इसका मतलब अगर ये 60 है तो 100% जो आपका सीपी होगा, एसपी के नीचे है ना, ये मूल्य बड़ा होगा तो ये सीपी क्या होगा, लाभ अगर है तो ये छोटा होगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो 60 से छोटा ही होगा। जब मैं ऑप्शन को देखा तो आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन 80 है तो इसको देखते ही आप एलिमिनेट कर देंगे। चीजें सीखते चलिए, ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं जब आप इस तरीके से आप लगाते हैं क्वेश्चन में, और ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ऐसे ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं, और ये सबसे बड़ा हथियार होता है कैसे हम बाई ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब क्या करें, आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार भी देखा है, पूछ भी लिया जाता है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जब आपको पता है तो मैं ऑप्शन रखकर भी चेक कर सकता हूं। मान लिया मैंने एक्स के स्थान पर क्या रख दिया, 50 रख दिया, एक्स के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, 50। चलिए चेक करते हैं, अगर ये 50 इधर रखा तो 50 इधर आया। क्लियर, अब आपको पता है कि जो इसका डिफरेंस होगा यही आपका लाभ हुआ होगा, कितने यूनिट का लाभ हुआ, 10 यूनिट का, कितने पर 50 पर, ठीक है, 50 पर, तो
गुणे सौ, गुणे सौ करने की जरूरत नहीं है, आप एक बटे पांच की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है 20%, और ये हमारा आंसर क्या कर गया टैली कर गया, हमारा आंसर क्या हो गया टैली कर गया, इसका हमारा आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बड़ा आसान तरीका था, मतलब आंसर तक देखिए आप पहुंच ही जाएंगे, तो आपको जो भी गणित लगानी है गुणा भाग करना है आप हर तरीके से आपको आंसर सही आने से मतलब है, जो भी अगर आपके अप्रोच हैं वो अगर कारगर हो सकते हैं उस पर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो मैं चीजें बताने वाला हूं यहां पर आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तीन क्रमागत सम संख्या का मतलब तीन लगातार आपके पास क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर जिनका औसत दिया है ए, यदि अगली पांच सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, यदि अगली पांच इवन नंबर और शामिल कर लिया जाए अगली उसके अगली, तो इन आठ संख्याओं का अब औसत क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए फिलहाल तो मैं आपको पहले तरीका आपको बताता हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर को टिक कर सकते हैं क्या ए प्लस फाइव, भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, आप तुरंत देखते ही टिक कर सकते थे ए प्लस फाइव आज के बाद, पहले सुनिए फिर 100% मुझे विश्वास है आप तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत आंसर लगा देंगे, ठीक है। और ये एक चीज अप्लीकेबल सम और विषम दोनों के लिए अप्लीकेबल है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले तरीका सीखते हैं, मान लीजिए मैं तीन कोई लगातार सम संख्या ले लेता हूं, कहां से लूं, चलिए मान लेते हैं मैं 12 से स्टार्ट करता हूं, तीन लगातार सम संख्या लूंगा तो क्या आएगा 12, 14, 16। आपको पता है कि जब भी तीन लगातार संख्या लेते हैं, तीन मतलब तीन नहीं एन लगातार सम संख्या, जो भी मतलब आप संख्या लेंगे 5, 6, 7 जो भी लेंगे, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा चाहे तीन लगातार सम संख्या लो, चाहे तीन लगातार विषम संख्या लो, चाहे तीन लगातार संख्या ही क्यों ना लो, तो जो बीच वाली संख्या होती है ये हमेशा क्या होती है एवरेज होती है। इसका मतलब इस संख्या में जो हमारा औसत है वो क्या है इतनी समय 14 है। अब मैं यहां पर कलर को चेंज करता हूं जिससे आपको थोड़ा चीजें क्लियर दिखें, समझ में आए। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल लेकर यह चीज सेट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, अब अगली पांच सम संख्या लेता हूं, क्या लेता हूं अगली पांच सम संख्या लूंगा, तो इसके अगली पांच सम संख्या क्या होगी 18, 20, 22, 24 और 26। क्लियर। अब हमारे पास कितनी संख्या होगी पता है, अब अगर मैं देखूं तीन और ये पांच और मिल गया तो टोटल हमारे पास 8 हो गए। मैंने क्या बोला 8 हो 7 हो 6 हो कुछ भी हो, अगर लगातार बात हो रहा है सम विषम या डायरेक्ट ही बात हो रहा है, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होती है। तो चलिए चेक करें, 4 इधर हो गया 4 इधर हो गया, तो अब बताइए भाई बीच में तो कोई बचा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ये आपका किनारा है अंतिम और इधर से स्टार्टिंग, तो 18 और 20 के ठीक बीच वाला जो होगा वही हमारा औसत होगा। तो यहां पर 18 और 20 के बीच में क्या है 19 है, क्या है 19 है, मतलब जब तीन संख्या थी तो औसत 14 था, मैंने जब आपके यहां पर पांच और अगली सम संख्या लिख दिया तो औसत हमारा कितना हो गया 19 हो गया। तो इसका मतलब अब आप यहां कंपेयर कर सकते हैं कि 14 में कितना जोड़ा गया है कि 19 हो जाता, आप बोलोगे सर पांच। तो अब लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर जो 14 था ये ए को डिनोट कर रहा था, तो अगली जो पांच होगी भाई पांच बढ़ गया इसी ए में तो पांच बढ़ा, तो आपको क्या बोलोगे ए प्लस फाइव, यही हमारा आंसर है। लेकिन इससे भी करेंगे तो टाइम लगेगा, भले आपको आसान लगा हो अच्छा लगा हो जो भी लगा हो, लेकिन अब जो मैं आपको यहां कंक्लूजन वाला पॉइंट बोल रहा हूं जो कि मैंने ई बुक में भी दिया होगा आपने देखा होगा और शायद थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन अब आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा लगातार सम संख्या जोड़ने की बात कर रहा होगा 3, 4, 5 कुछ भी, चाहे सम की बात हो रहा हो चाहे विषम की बात कर रहा हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं ठीक है, तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा अगर पांच सम संख्या जोड़ रहा है तो जो भी औसत होगा उसमें आप पांच जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट, अगर ये चीज विषम देगा तो भी अगर पांच जोड़ोगे पांच सम संख्या जोड़ोगे विषम जोड़ोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा ए प्लस फाइव भी आपका आंसर आएगा। इनफैक्ट अगर मैं बोलता अगर इसमें अगली सात सम संख्या जोड़ दी जाएगी तो अब औसत क्या हो जाएगा, तो अब औसत ए प्लस 7 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, और ऐसे ही आप
किस पे, सम और विषम का मैंने बता दिया। अब आप क्या करिए, लगातार संख्या पे काम कर लीजिए। लगातार संख्या मतलब एक दो दिन पर काम करेंगे तो उसमें भी एक पैटर्न मिलेगा और वहां से एक आइडिया आप लगा लेंगे कि कितना बढ़ने पर कितना बढ़ेगा, कितनी संख्या जोड़ने पर कितने औसत पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, एक बार आप ट्राई कर। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाता है। इसका मतलब ये आपका मूलधन है और मूलधन से ये क्या बोल रहा है, अमाउंट बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहां पर रेट निकाल सकते हैं। अब वो अलग बात है, यहां पर ये वार्षिक इतना दिया है। पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे सर यहां डिफरेंस 9 का है, इसका मतलब मेरा 9 रुपए ब्याज बढ़ा है। अब कितना साल लगा मुझे नहीं पता, मुझे यह पता है कि 9 रुपए ब्याज बढ़ा है क्योंकि 72 था 81 हो गया है। अगर मैं बोलूंगा कितने की रेट से कितने पर, 72 पर, तो आप बोलोगे 9/72 और ये कितना आया, 1/8। सारी परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए और 1/8 की वैल्यू जो होती है 12.5% या 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, ठीक है। यहां पर समझिएगा बात, क्योंकि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आपका जो एक्चुअल है 6 सही 1/4 का मतलब अगर मैं दशमलव में बात करूं तो 6.25% है और इसको मैं अगर दशमलव में लिखूंगा तो 12.5% है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में अगर पहले साल आपका 10% ब्याज लग रहा है तो दूसरे साल भी 10% लगेगा, तीसरे साल भी 10% लगेगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा कि 3 साल तक ब्याज कितना होगा तो आप डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि 10 तिहाई 30%। बात समझ में रही है? इसका मतलब अगर आपको पता है कि वार्षिक हमारा 6.25% है और यहां से निकालने पर आपका 12.5 आ रहा है, तो सीरियस बात है ये इसका दुगना नहीं है भाई। इसका दुगना करूंगा 12 और 0.25 का करूंगा तो 5 आएगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट इसका 2 गुना है और अगर ये 2 गुना है तो सीरियस बात है 2 वर्ष लगा होगा। समझ में आया? इसी तरह के अगर और आगे होता तो मैं देख लेता कितना गुना जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम यहां से लगा देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही होंगी और काफी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ भी रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखें अगर ध्यान से, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, ऐसे क्वेश्चन तो कितनी बार पूछे गए हैं। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इधर से हमेशा ऐसे क्वेश्चन में उल्टा चलते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं ए, बी और सी। सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, मान लेते हैं ए को कितना, 100। ए को मान लेते हैं 100 लिखा है। बी की जो आय है, यहां से देखिए बी की जो आय है ए से 25% अधिक है, तो ए से अगर मैं 25% अधिक करूंगा तो कितना आएगा, 125। फिर यहां लिखा है जो सी की आय है वो बी से 20% अधिक है। सी की आय बी से 20% अधिक है, तो 125 का 20% कितना होगा, 10%, 12.5 होता है। तो 20% इसका दुगना मतलब 25 और बढ़ जाएगा, तो 25 अगर और बढ़ेगा तो ये कितना हो गया, 150, क्योंकि बढ़ने की बात कर रहा है। अब लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में पूछा है सी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। और डायरेक्ट अगर 100 के रेस्पेक्ट में पूछता है तो हमें कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस ये देख लीजिए बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है, सी की पूछ रहा है कितना बढ़ रहा है, डायरेक्ट 50%, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट निकाल रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50% की यहां पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसको देखिएगा, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और शायद मेरे ख्याल से पीसीएस का क्वेश्चन है क्या, एक बार आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो भी एग्जाम का हो लेकिन मैथ्स का सेक्शन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है।
यहां लिखा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है, ठीक है। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है, इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है, अधिकतम, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जरूरी तो है नहीं कि भाई जो उसके पास छड़ है उस कमरे में आ जाए। तो आपने पढ़ा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी छड़ कमरे में रखने के लिए उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अधिकतम लंबाई की छड़ क्या होनी चाहिए, और जब भी आपका कमरे की जो साइज देता है वो कौन सा शेप होता है, घनाप का शेप होता है, क्यूबाइड का शेप होता है। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हैं कि अगर सबसे लंबी छड़ अगर आपको रखनी है तो इसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सारी वैल्यूज दी गई है, आप इसको यहां पर नोट कर लो, क्या क्या दिया, लंबाई कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका जाएगा कितना 169, और 169 का जो वर्गमूल होगा कितना जाएगा 13 आ जाएगा 13। इसका मतलब सबसे अधिकतम जो छड़ की लंबाई होगी जिस जो आप कमरे में रख सकते हो वो कितने मीटर की होगी, 13 मीटर की होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन में 13 मीटर होता है तो आप लगा भी देते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या कि जो आदमी है ना उसके पास अलग अलग लंबाई की छड़ें हैं, 14 मीटर की हैं, 12 मीटर की हैं, 13 मीटर की हैं और 15 मीटर की हैं। तो आपको पता है भाई 13 मीटर से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन 13 मीटर से कम तो रख सकते हैं ना। चलिए तो 13 या 13 से कम कितने हैं, देखिए 14 तो रख ही नहीं सकते, 12 में रख सकता हूं, 13 रख सकता हूं, लेकिन 15 नहीं रख सकता हूं। तो कितने छड़ रख सकता है, जो उसके पास चार छड़ थे उस आदमी के पास, जिसमें से दो वो रख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा थी, तो सिर्फ 12 और 13 आप रख सकते हो, इसका मतलब दो छड़ आप वहां पर उस कमरे में आ सकता है उस आदमी का, ठीक है, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहां देखिएगा, ये भी आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। लिखा है एक घनाभ, वही घनाभ मतलब क्यूबाइड, घनाभ की लंबाई दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी। तो सीधी बात है, घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होता है, चाहे तो आप फार्मूला लिख लीजिएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है घनाभ का, वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपका फार्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया गिवेन है, आप इसको 6x, 5x, 4x मान के कर सकते हैं, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ये करने की जरूरत थी, क्योंकि जैसे ही आपका रेशियो आता है ना तो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र का यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल गुणज का कॉन्सेप्ट। और ये कब अप्लाई करते हैं, जब आपको रेशियो वाली चीजें दिखनी स्टार्ट होती हैं। इसको पढ़ा, इसको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लगेगा टाइम, आपने देखा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ रहा है, तो सीधी बात है रेशियो डायरेक्ट दिया है, इसमें जो हमारी लंबाई होगी वो 6 का मल्टीपल होगी, 6 का पहाड़ा होगी, जो भी ऑप्शन 6 से कट रहा होगा, क्योंकि ये L है, ये B है, ये H है, जो भी ऑप्शन होगा जो L मतलब 6 से कट रहा होगा वही आंसर होगा। ये कट नहीं, 20 कट नहीं रहा है 6 से, 38 भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 36 कट रहा है, लेकिन ये 22 नहीं कट रहा है, इसका हमारा आंसर क्या है, 36। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास दो ऑप्शन होता मैं फिर 5 से चेक करता और 4 से चेक करता, ठीक है, 5 से भी अगर आप चेक करोगे तो दो ऑप्शन आ गया, लेकिन जब 4 से चेक करोगे तो 4 से भी एक ही ऑप्शन आ रहा है, 24। क्लियर है, आसान तरीका है, बाकी इस फॉर्मूले में रखकर आप सॉल्व कर सकते हो, आप ट्राई करिएगा डिटेल में, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ये कि जो आपको एग्जाम में यूज करना है वो चीज आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ध्यान से यहां पर मेरी बात सुनिएगा, यहां पर जो आपका दिया गया है डायरेक्ट आप यहां से क्या कर सकते हैं, जो 7 साइन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 प्लस 7 को क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 4 मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों किया आपने, बताता हूं,
आप चाहो तो इसको 1 माइनस कॉस में भी चेक कर सकते हो, इसको भी चाहे तो 1 माइनस साइन में कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप एक इनफैक्ट ये भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, 3 मैंने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि 3 यहां भी आ जाएगा, 3 जब यहां आएगा तो 3 कॉमन लूंगा, 3 जब मैं कॉमन लूंगा तो बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या आएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, क्लियर। अब इसकी वैल्यू आपको पता है आइडेंटिटी से, सर्वसमिका से 1 होती है, तो 3 ये आ गया, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 माइनस 3, क्योंकि ये 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ गया, तो साइन थीटा बराबर क्या जाएगा, 1 बटे 2। तो साइन थीटा का जो मान होगा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। लेकिन जो एंगल होगा यहां पर, क्योंकि आपसे यहां पर जो पूछा है, क्या पूछा है, टैन थीटा का मान पूछा है, किसका पूछा है, टैन थीटा का मान पूछा है, तो 1 बटे 2 साइन थीटा में मान किसका होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री उठाकर यहां रख दो, तो टैन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सारे टेबल्स आपको याद होने चाहिए, 1/√3। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, 1/√3। ये मैंने आपको बताया, आपको अच्छे समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसको यहां से भी कन्वर्ट कर सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, या आप इसको चेंज कर देते 1 माइनस साइन स्क्वायर में। लेकिन यहां पर आपको ये चीज डायरेक्ट करनी थी। अब डायरेक्ट कैसे करनी थी, एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनिएगा, नोट कर लिया होगा, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं अब यहां पर आपको बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहां पर जब ऐसा आकार दिया रहता है तो समझ जाइएगा, मुझे कॉस स्क्वायर और जो कॉस स्क्वायर का कोफिशियंट है और जो साइन स्क्वायर का कोफिशियंट है, दोनों को समान करना होता है। क्यों? क्योंकि वहां से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। अब समझिएगा, जो मिनिमम होगा उसी पर अटैक करते हैं, जो मिनिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम 3 है, तो इधर से भी 3 निकाल लूंगा, जो भी 3 आएगा उसी 3 को इस 4 में माइनस कर देना, 1 आ गया, समझिएगा ध्यान से, 1 आ गया। और जो बचेगा, जैसे ये 3+4 में ब्रेक किया तो जो 4 था वो नीचे आ जाएगा, मतलब आप एक बार में एक स्टेप में ये आप लिख सकते थे, क्लियर है। अब ये कब हुआ, क्योंकि शुरुआत में तो आप ये कर नहीं सकते, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें आपकी आनी स्टार्ट होती हैं, और जब ये करना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर एक गजब का विश्वास पैदा होता है, और फिर आप मतलब जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो क्वेश्चन जो आपसे नहीं भी होगा पहली बार में, शायद उसको अगर छोड़ देंगे बाद में फिर आएंगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस जब उस लेवल पर आएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 1/√3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23। और ये आपके एग्जाम में एनटीपीसी में मतलब पूछा भी गया है, उसके अलावा जो एनटीपीसी आपका 2020 चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सारी चीजें इनटू में दी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर इनटू में दी गई हैं तो बीच में एक कॉस 90 भी आ रहा होगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और सारी चीज अगर इनटू में दी गई होंगी तो 0 क्या करेगा, सभी को 0 बना देगा। तो इस क्वेश्चन का कुछ करना ही नहीं था, यहां पर जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, यहां पर ए ऑप्शन होगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पर, ध्यान से देखते चलिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, लिखा है एक व्यक्ति ने 375 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 375 रुपए है, एक वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि हुई, तो दोनों वस्तुओं को व्यक्ति ने कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है। एक पे 25% का लाभ हो रहा है और एक पे क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है, अगर आप ध्यान से सोचें, क्या आपको अच्छे से एक चीज पता है, आप चाहें तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। चले मैं ऑप्शन के थ्रू पहले बता देता हूं। देखिए, अगर मेरा 25% का एक पे लाभ हो रहा और एक पर 25% की हानि, ठीक है, तो जब लाभ होगा, क्योंकि ये सीपी है तो सीपी पे ही डायरेक्ट हम लाभ लगाएंगे, तो 300 का अगर मैं 25% निकालता हूं तो कितना आएगा, 300 का 25%, 300 का 10% 30, 20% 60, और बाकी के 5% 15 हो जाएगा, मतलब 75। तो 300 में 75 जोड़ूंगा तो देखिए 375 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब इसको भी चेक कर लो,
500 में मुझे क्या करना है, 25% निकाल कर घटाना है, क्योंकि हानि हो रही है। जब मैं घटाऊंगा तभी तो एसपी तक पहुंचूंगा। तो देखिए 500 का 25% निकालना है, तो 10% 50, 20% 100 और 5% 25, मतलब 125 आप अगर आप 500 में घटाओगे तो 375 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। आंसर तक तो देखिए किसी भी तरीके आप पहुंच ही जाओगे, ठीक है। लेकिन यहां जो काम की बात है उसको आपको ध्यान सुनना है। अगर दो वस्तुएं समान दर पर बेची जा रही हैं और उस पे एक पर लाभ हो रहा हो और एक पर हानि हो रही हो, और उसमें जो आपका अंक हो, ये जो 25 दिख रहा है ना, ये 25, अगर ये दोनों ही एक लाभ हो रहा हो और एक आपका हानि हो रहा हो, और ये 25 क्या हो, सेम हो, समान हो, 25 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ओवरऑल अगर मैं दोनों वस्तुओं का जोड़कर बताऊंगा तो हमेशा ओवरऑल आपका क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा आर स्क्वायर अपॉन 100%। ये डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हैं, और जो आर होगा वो क्या होगा, 25 होगा। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, और 625 बटे 100 क्या हो जाएगा, 6.25% की ये हानि होगी ओवरऑल, ठीक है। 6.25% की क्या होगी, आपकी हानि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान से कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसके अंदर भी बहुत कुछ जाकर आप यहां आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप यहां तक बस ध्यान रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन में आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, लिखा है कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो तो वह वस्तु 532 रुपए में बेची गई हो, तो उस वस्तु का आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। उस वस्तु का आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है रुपए में। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है। मान लेते हैं जो आपका सीपी है इसको 100 आप मान लीजिए, और जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से क्या है, 12% अधिक है। तो 12% अगर अधिक में बात करूंगा तो अंकित मूल्य कितना जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 112, और अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, तो इस 5% की जो कटौती हो रही होगी इसी पे हो रही होगी छूट। तो जब 5% की कटौती होगी तो 112 का 5% कितना होगा, 112 का 5% 10%, 11.2 होता है, इसका हाफ कर देंगे तो 5% आ जाएगा, तो कितना होगा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ठीक है, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 × 6 = 12 हो जाएगा, तो 5.6 आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब 5.6 कम होगा तो इसमें से आप घटा दो, क्योंकि 5.6 अगर आप कम करोगे तो ये डायरेक्ट आपका कितना जाएगा, 10 × 6 = 4, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 11 × 5, ये आपका 6 आ जाएगा, 106.4 आ जाएगा, कितना जाएगा, 106.4, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। फिर पूछ रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर दिखा है ना, 12% अधिक हो जाता है तो वह वस्तु 532 रुपए में बेची गई, इसका मतलब यही आपका एसपी है, यही विक्रय मूल्य है। तो डायरेक्ट में क्या बोलूंगा, 16.4 यूनिट जो होगा ये डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 532 के। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब सीपी पूछ रहा है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो 532/106.4 × 100, इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, जो आपका क्या होगा, सीपी होगा, जो आपका क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए, तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां पर आ रहा होगा 500 रुपए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 500 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो चुका है, और 25 का जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 इसको आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें लिखा है
इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी हुई यदि उसका वर्तमान वेतन, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 1806 रुपए है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? आप समझिएगा, मतलब यहां पर पिछला वर्ष, मतलब यहां पर मान लीजिए पिछला वर्ष है और यहां पर वर्तमान है, तो वर्तमान में वेतन कितना है? 1806। अब समझिएगा ध्यान से, यहां पर जो भी उसका वेतन होगा यहीं से तो 5% की वृद्धि हुई होगी, यहीं से तो 5% की वृद्धि हुई होगी। इसका मतलब जब इनिशियल पता ही नहीं है तो हम कैसे निकाल पाएंगे? इसका मतलब आपको जब फाइनल से इनिशियल तक आना होता है, फाइनल से जब इनिशियल तक आना होता है, जैसे आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, यदि एक्स की आय वाई की आय से बड़ी है, आयु एक्स की आयु वाई की आयु से बड़ी है तो वाई की आयु एक्स की आयु से कितनी परसेंट कम होगी, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है ना? तो ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये डील करेंगे, मतलब 5% को आप कन्वर्ट करोगे क्या 1/20 बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 1/20 की इसमें आपने वृद्धि की है। इसका अगर मुझे यहां से यहां जाना होगा तो सीधी बात है मुझे क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। कैसे कमी करेंगे ध्यान दीजिएगा, 1/20 बढ़ा है तो इस एक को जोड़ देंगे 20 में, तो आप बोलोगे 1/21 की इसमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, 1/21 की कमी करनी पड़ेगी। और 1/21 की अगर कमी करनी है तो सीधी बात है आप 1806 में 1/21 निकाल कर जो भी आएगा इसमें कम कर देंगे, डायरेक्ट आपका क्या जाएगा पिछले वर्ष का वेतन आ जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। तो यहां पर 21 से इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा ये आपका चला जाएगा 8 बार ना, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 168, तो 8 बार ये गया, कितना बचा 12 और 6, तो इसके बाद कितना जाएगा 126 आया, तो फिर 6 से अगर करूंगा तो ये 6 बार जाएगा तो 86 आ गया। तो ये जो 86 जो आपकी वृद्धि हुई थी वो आ गया, और यही वृद्धि अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो पिछले वर्ष का वेतन आ जाएगा। तो 1806 में 86 घटा दो तो ये 6 × 0 10 में 60 गया 2 और ये आपका 7 आ जाएगा, 1720 रुपये पिछले वर्ष का उसका वेतन होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 1720 रुपये। आसान तरीका था और इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई जगह हम लोग अर्थमेटिक में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर, तो ये भी आपका सेट होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 992 हो तो राशि क्या होगी। इसका आप ईबुक में जो मैंने सोल्यूशन दिया है, एक तरीका तो वो है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, 3 साल का नेट रेट निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का, उसका अंतर निकाल लीजिए, फिर उसके बराबर करके आप तुरंत आप 100% कर देंगे, आप डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं, जो पूछा गया था यहां पर क्या राशि, आप मूलधन तक पहुंच सकते हैं। मैं एक आपको और जबरदस्त तरीका बताता हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो जब भी आप परसेंट निकालते हैं 10%, तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए 1/10। अगर 3 साल है, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 साल है तो लेट मतलब माना जो पी होगा, जो नीचे होगा इसी का क्यूब होगा, अगर 2 साल होता तो स्क्वायर करते, ये आपका 1000 क्या है माना गया है। और एक सबसे खास बात, अगर आप जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और ऊपर की साइड अगर एक है, क्या है ऊपर की साइड अगर एक है, तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि CI - SI, ये आप डायरेक्ट बता सकते हो कितने यूनिट होगा, यहां से यूनिट की बात कर रहा हूं, तो ये जो यूनिट होता है ये आपका होता है 3 × जो नीचे रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो और +1, या जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये 1/A का फॉर्मेट बना रहा है परसेंटेज में, तो CI - SI अगर 3 साल का डायरेक्ट डिफरेंस बताना चाह रहे हो तो ये डायरेक्ट होता है 3A + 1 होता है, ये नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के, ये लिखना नहीं था, जब आपने देखा ना तुरंत ही आपको समझ में आ गया कि एक ऊपर है 10 नीचे है, तो 3 × 30 + 1 31 यूनिट, मतलब 31 जो यूनिट होगा यही आपका डिफरेंस किसके बराबर होगा जो दिया है 992 के बराबर। ये कितनी बार गया 3 बार 93 और 2 = 32, मतलब 1 यूनिट = 32 आ गया। ये यूनिट है ध्यान रखिएगा 32 रुपए, लेकिन आपसे प्रिंसिपल पूछा है और प्रिंसिपल कितना होता है 1000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 यूनिट के लिए क्या करेंगे 32 में आप
तीन जीरो और चिपका दीजिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32,000। आंसर क्या आएगा 32,000। ये भी आपका जबरदस्त तरीका है और बहुत ही जल्दी सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चंस को आप निपटा सकते हैं। बताइए समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, ए जितना काम चार दिन में करता है, बी वही काम पांच दिन में करता है। इसका मतलब यहां से एक इंफॉर्मेशन मिला कि ए जितना काम चार दिन में करता है, भाई ए जो है कोई आदमी है चार दिन में कर रहा है तो ये टोटल काम आ गया, ठीक है, और बी वही काम पांच दिन में कर रहा है तो दोनों ही बराबर होंगे। तो यहां से हमारा ए और बी का क्षमता का अनुपात आ जाएगा, ए और बी के क्या जाएगा क्षमता का अनुपात आ जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट ए इज टू बी की वैल्यू बता सकता हूं, यहां से 5:4 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आपका ये बन गया, ऐसे आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है बी जो काम छह दिनों में करता है, बी जो काम छह दिनों में करता है, सी वही काम सात दिनों में करता है। फिर आप क्या बोल रहा है, बी इंटू सी 6 और सी वही काम को सात दिन में कर रहा है। तो यहां से इनकी भी क्षमता निकाल लो, इसको थोड़ा मैं इधर लिखता हूं, तो यहां से B और C का अनुपात कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका B और C का अनुपात 7:6, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पर B कितना है, ये रेशियो का भी क्वेश्चन बन गया, तो रेशियो के लिए भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन बन जाता है, A इज टू B बराबर ये दिया है, B इज टू C बराबर ये दिया है, तो तीनों का अनुपात क्या होगा, क्लियर है। तो फिलहाल ये टाइम एंड वर्क चल रहा है, लेकिन एक तीर से दो शिकार। बी का यूनिट कितना है 4 और यहां पर बी क्या है 7, क्या 4 और 7 मतलब बी की वैल्यू क्या दो चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या, आपको इसको क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, अर्थात ए इज टू बी इज टू सी निकालने के लिए आप समझिएगा ये 7 और 4 को बराबर करने के लिए इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 बनेगा, इसमें 4 से करेंगे, और जब इसमें 7 से करेंगे तो 7×5=35, तो जो ए होगा ये 35 बन जाएगा, ये 28 हो गया इधर से, और इधर 4 से जब करूंगा तो ये 28 बन गया और 4×6=24 हो गया। ये हमारा तीनों की क्षमता का अनुपात आ गया। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता था कि तीनों की क्षमता का अनुपात क्या होगा, यहां तक मैंने यूज कर लिया है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, आगे ये दिया है कि बताइए कोई काम जो ए एक सप्ताह में कर रहा था, एक सप्ताह में कितने दिन 7 दिन 7 एक सप्ताह में करता है, तो वह सी वही काम को सी कितने दिन में करेगा। ए एक सप्ताह में करता है तो सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहां लिख लीजिएगा तो सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है इस बात का ध्यान रखिए, तो ए अगर एक सप्ताह में कर रहा है तो ए की क्षमता कितना है 35, तो क्षमता का मतलब यह होता है कि एक दिन में किया गया काम, ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम 35 है, तो इसका मतलब एक सप्ताह में वो पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल काम कितना जाएगा, टोटल काम 35×7, और टोटल काम में अगर मैं सी की क्षमता से भाग दे दूंगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 24। भाई 24 से भाग दूंगा ना, सी का क्षमता कितना है 24। अब आप ध्यान दीजिए क्या 24 कट रहा है, क्या 24 नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्योंकि 24 3 से कटता है, देख रहे हैं किसी से नहीं कट रहा है, ऊपर में कोई ऐसी संख्या नहीं जो नीचे वाले को काट दे। अब इसको फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं है, अब ऑप्शन चेक करिए, जहां पर नीचे 24 दे रहा होगा वही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन। थोड़ा सा सेकंड तो बचा ना, 5 सेकंड, तो यह चीज आपको सीखना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। आप चाहे तो आप भाग करके चेक कर लेना, आपका आंसर आएगा क्या 10 सही 5/24 दिन, क्लियर है। लेकिन ऑप्शन पर आपको बराबर ध्यान देते रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। एक बार आप इसको पढ़ लो, इस क्वेश्चन का आप सवाल यहां पर करिए और बताइए क्या आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, उम्मीद करता हूं आपका आंसर यहां पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, यह है पी की कार्य क्षमता
क्यू की तीन गुनी है, इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पी और क्यू लिख लेते हैं यहां पर, और एक यहां पर क्षमता का अनुपात देख लेते हैं, और जब क्षमता का अनुपात पता चलेगा तो हमें समय का भी अनुपात यहां पर पता चल जाएगा, हमें समय का भी अनुपात। अब ध्यान दें तो P की कार्य क्षमता Q की तीन गुनी है, P की जो कार्य क्षमता है Q की तीन गुनी है। ठीक है, और सीधी सी बात है, और जो भी क्षमता होगा अगर मैं इसको पलट दूं तो ये आपका समय का आ जाएगा क्या, 1/3 आ जाएगा। क्लियर, फिर बोल रहा है, लिखा है P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, इसका मतलब कितने की कमी हो रही है यहां पर, 2 यूनिट की कमी हो रही है, और यही 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही 2 यूनिट की वैल्यू 48 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24 दिन। अब ध्यान समझिएगा, यहां पूछा क्या है, पूछा यह है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे यह आपसे पूछा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, दोनों अगर मिलकर अगर आप काम यहां समाप्त करेंगे तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, इनका जो काम आ रहा है कितना आ रहा है, पी 24 दिन में कर रहा है उसी काम को, और 24 48 24 दें 72। ठीक है, 72, तो इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम, 24 और 72 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 72 आ जाएगा, ये पी और क्यू है, ध्यान रखिएगा कितनी बार जाएगा, 3, और ये 1 बार, तो 72 में आप 4 का भाग दे देंगे क्योंकि दोनों का आ जाएगा, तो देखिए कितना रहा है, 4 1 4 4 8 32। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा 18 दिन। क्या आप सभी लोगों का आंसर आया, तो आप चाहें तो यहां से टैली कर सकते हैं, तो 29 का जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 18 दिन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहां से आपने क्या किया, 1 यूनिट की वैल्यू 24 दिन निकाला, तो यहां से आपने दिन निकाल लिया, P उसी काम को 24 दिन में कर रहा है और Q उसी काम को 72 दिन में कर रहा है, तो उसके बाद आपने LCM निकाला, और वहां से, और ये 3 4 भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको पता है कि टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 72, ये आपको पता जाएगा 72 LCM है, और टोटल क्षमता आपको दिया ही है, तो डायरेक्ट आप 4 से यहीं पर डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो 72/4 और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 18 दिन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पर, आज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है, उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां ध्यान दीजिएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है, उसी दूरी को 7 घंटे में अगर तय करना हो तो आपका क्या होगा, तो यहां पर आपका दूरी जो है, जो दूरी है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, और जब दूरी कांस्टेंट होता है तो कई बार मैंने आपको बता भी दिया है क्या कि चाल और समय में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है, चाल और समय में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसका मतलब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आप CPR अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, तो 7 घंटे में पहले कितने में कर रहा था, 10, अब कितने में कर रहा है, 7 घंटे में तय करने के लिए, मतलब यहां पर समय की कमी हो रही है, अगर समय की कमी हो रही है तो सीधी सी बात है उसमें टाइम जो उसकी चाल होगी उसमें क्या हो गई होगी, वृद्धि हो गई होगी, इसलिए पूछ रहा है। तो कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है, कितने पर, 10 पर, तो समय में 3/10 की कमी हो रही हो, कमी हो रही है, तो यही 3 आप 10 में घटा दो तो आप क्या बोलोगे, 3/7 की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, किसमें, चाल में, तो यही पूछा भी है, तो इसको निकाल लीजिए, 7 6 42 6 3 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से आपसे यह भी पूछ सकता था कि अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं यहां पूछता उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो 42+18 और 42+18 कितना हो जाता, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां पर आपसे पूछा था, सिर्फ वृद्धि पूछा था, अगर यह पूछता तो आपका आंसर क्या होता, 42+18 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से मेरी बातें समझ में आई होंगी, और ऐसे ही आपको जैसे प्रैक्टिस नंबर आपका जो सेट था ये 8 तक और समझ में आया होगा अच्छे से, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस नंबर जो आपका 9 होगा
इसी जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। और जो भी आपका ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है मैथ्स का, आपको इसमें काफी मजा आ रहा होगा। और ऐसे ही और नए नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।